वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आराध्या। आज हम एक न्यू रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है पुडला सैंडविच। इसे हम वेजिटेबल सैंडविच भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और यूनिक रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ सके। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें एक कप बेसन लिया है। अब मैं इस बेसन में अपने मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें डालती हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला किचन किंग है, एक चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, इससे जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा आता है, ये छोटी चम्मच है, और मैं एक चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो बिल्कुल भी ना डालें। और मैं इन सबको मिला देती हूँ। अब मैं बाकी के मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ धनिए की पत्तियाँ, ये हरा वाला धनिया है जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में थोड़ी सी अजवाइन, वो भी आपको हाथ पे क्रश करके डालनी है, ऐसे नहीं डालनी है, ये मैंने हाथ पे ले लिए। अब इसको ऐसे इस तरीके से करके इसमें डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको मिला लेते हैं सबको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी, एक साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। हमें बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। मैंने आधा गिलास पानी लिया था, अभी इतना बचा हुआ है मेरा। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए, बस ये परफेक्ट है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को ऑन करके मैंने डोसा तवा रख दिया है। अब थोड़ा सा हमारा तवा हीट करेगा तब मैं हम इस पर अपने ब्रेड डालेंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा डाल रही हूँ घी और मैं इसको अच्छे से फैला देती हूँ, इससे कि हमारे जो ब्रेड है बहुत अच्छे से सिकेंगे। मैंने दो ब्रेड इक्वल लगा दिए बिल्कुल आमने सामने। अब हम इस पर जो हमने ये बैटर बनाया था बेसन वाला वो डालेंगे। ये थोड़ा अच्छे से अप्लाई करें इस तरीके से। जो पुडला सैंडविच होती है वो मुंबई की मशहूर सैंडविच है। हम इसमें कोई भी सब्जी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें सब्जियां पसंद है। मैंने इन दोनों के ऊपर लगा दिया है। अब हम इन दोनों को पहले पलट देते हैं। बड़ी सावधानी से पलटे आप इस तरीके से। अब हम इस पर फिर से ये अपना बैटर अप्लाई करेंगे। इस बार आपको थोड़ा कम अप्लाई करना है क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी सब्जियां भी लगानी है। गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रखें, फुल ना करें, ताकि हमारी जो ब्रेड है ये जले ना नीचे से। ये मेरे पास शिमला मिर्च, मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर ली है। अब हम एक ब्रेड पे थोड़ी सी शिमला मिर्च रख देते हैं। अब मैं थोड़ी सी रख देती हूँ। ये मेरे पास है पत्ता गोभी, मैंने इसको भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर ली है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब मेरे पास है टमाटर, मैं अब थोड़े से टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से बनाना। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालती हूँ बहुत हल्का सा नमक, जो हमारा टेस्ट है इसका बहुत अच्छा है। अब हम इसे पलट देती हूँ। तो हमारी सब्जियाँ थोड़ी पक जाए नीचे से।
मैंने इसको पलट लिया है। इस टाइम गैस की फ्लेम को फुल कर दें और इसको अच्छे से सेकें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डालूंगी मोजरेला चीज़ और इसको कवर कर दूंगी। मोजरेला चीज़ डाल देती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो बिल्कुल ना डालें, पर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इससे जो हमारी ये पुडला सैंडविच है, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ कवर इस तरीके से, और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक के पका लेती हूँ। मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक के पकाती हूँ, जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसको 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको एक बार पलट देती हूँ। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कि चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो प्लेट में निकाल लिया है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास बड़ा वाला चाकू हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें, छोटे चाकू का ना करें, क्योंकि दिक्कत आती है छोटे चाकू से कट करने में। मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर हमारा पुडला सैंडविच रेडी हुआ है। मैंने 2 सैंडविच बना लिए हैं और मैंने कट करके भी आपको दिखा दिए हैं। कितनी चीज़ी बन के रेडी हुई है हमारी पुडला सैंडविच, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और मैंने बनाई भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आपने अपने घर में ये रेसिपी बनाई है वो कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।